दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, और भैया एक काम है जो है बेहद आसान, अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। वंदे भारत मुहिम के जरिए बैरूनी ममालिक में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी। आज दूसरे दिन 234 मुसाफिरों के साथ सिंगापुर से दिल्ली पहुंची पहली परवास। मालदीव में फंसे भारतीयों को INS जलाशु के जरिए बहरी रास्ते से लाया जा रहा है भारत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का इफ्तिताह। लिंक रोड बन जाने से मानसरोवर की यात्रा होगी आसान। विशाखापट्टनम की LG पॉलीमर्स फैक्ट्री में नहीं पेश आया गैस इखराज का कोई दूसरा वाकया। NDRF के DG ने कहा कि जाए वाकये पर कंट्रोल में हैं हालात। महाराष्ट्र में बदनापुर और करमाड के दरमियान रेल हादसे में 14 लोगों की मौत। वजीर रेल ने दी हादसे की जांच की हिदायत। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम का हादसे पर इजहार खफ़। भारत में COVID-19 इन्फेक्शन से इलाज के बाद अब तक कुल 16,539 लोग सेहतियाब। एक्टिव मामलों की तादाद हुई 37,916। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब 1,186 लोगों की मौत। और कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,69,000 से जायद अमवात, 38,47,000 से जायद हैं इन्फेक्शन के मामले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोरोना की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में फंसे हुए हजारों भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत ने वंदे भारत मिशन नामी एक बड़ी एयरलिफ्ट मुहिम शुरू की है। इसके तहत सिंगापुर से 234 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का तैयारा AI-381 दिल्ली वापस आया। सिंगापुर में फंसे हुए भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटने वाला आज ये पहला तैयारा है। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एयर इंडिया का एक तैयारा लंदन के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे के जरिए वहां फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और इससे पहले कल रात मुत्तहिदा अरब अमारात से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के दूसरे तैयारे केरल पहुंचे। एक परवाज अबूजाबी से कोजी पहुंची जबकि दूसरी परवाज दुबई से कोजीकोट पहुंची। बैरूनी ममालिक से भारतीयों को वापस लाए जाने के बाद वजीर खारजा ने ट्वीट के जरिए शहरी हवाबाजी की वजारत और वजारत खारजा के अफसरान को मुबारकबाद दी है। जाब्ते के मुताबिक बैरूनी मुल्क से लाए गए सभी लोग 14 दिन तक रियासती सरकार के जरिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और इन सभी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ही भारत लाया गया है। बैरूनी ममालिक फंसे भारतीयों को लाने के लिए बहरिया भी मुहिम चला रही है। बहरिया ने अपनी इस मुहिम को समुद्री सेतु का नाम दिया है। सिर्फ COVID-19 से पाक लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा, जिसके तहत बहरिया का जहाज INS जलाशु माले पहुंचा, जो आज 750 लोगों को मालदीव से लेकर कोची वापस आ रहा है। जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे मुकर्ररा प्रोटोकॉल का खास बंदोबस्त है। लोगों को लाए जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भारतीय बहरिया ने जहाजों से गैर जरूरी साजो सामान को हटा दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज के सरबरा जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भी मौजूद थे।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिपलेख सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। और विशाखापट्टनम पुलिस ने कल हुए गैस रिसाव मामले में एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हादसे में कल कम से कम 11 अफराद की मौत हो गई थी जबकि सैकड़ों अफराद बीमार हो गए थे। और मीडिया में विशाखापट्टनम गैस लीक से मुतालिक चल रही अफवाहों को मुस्तरद करते हुए एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि फिर से लीकेज की बात गलत है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब आज 14 मजदूरों की रेल हादसे में मौत हो गई। आज सुबह बदनापुर और करमाड़ के दरमियान ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील कंपनी में काम करते थे और अपने गांव जाने के लिए औरंगाबाद से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इत्तलात के मुताबिक बदनापुर और करमाड़ के दरमियान सताना के करीब ये सभी मजदूर रात होने के सबब रेल पटरियों पर सो गए। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सुबह जालना से औरंगाबाद जाने वाली मालगाड़ी आएगी, लिहाजा ये लोग मालगाड़ी की जद में आ गए। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर इत्तलात नशरियात ने इस हादसे पर अंजुखम का इजहार किया है। वहीं रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने वाकये की जांच के अहकाम दे दिए हैं। उन्होंने इसे बेहद अफसोसनाक वाकया करार दिया और हादसे की शिकार होने वालों के रूहों की सुकून के लिए दुआ की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज सुबह 5:22 पर नंदेड़ डिवीजन के बदनापुर और करमाड़ स्टेशन के दरमियान हुए मजदूरों के मालगाड़ी के नीचे आने की अफसोसनाक खबर मिली। राहत का काम जारी है और जांच के हुक्म दे दिए गए हैं। उनको रूहानी सुकून के लिए खुदा से दुआ गो हूं। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद 37,916 पर पहुंच गई है। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,888 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब तक 16,539 लोग सेहत याब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 56,342 है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना के इन्फेक्शन को काबू में रखा जाए, लिहाजा लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से मुतालिक हिदायत पर अमल करें। और आपको बता दें, ये थी ताज़ा कोरोना वायरस की सूरत हाल। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और इससे हुई अमवात से मुतालिक अदद शुमार पर नज़र रखने वाली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 2,69,000 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इन्फेक्शन के 3,84,000 से ज़ायद मामलों की तस्दीक अब तक हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के सबब मरने वालों की तादाद 75,600 से तजावुज़ कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में हुई हैं। यहां एक ही दिन में मरने वालों की तादाद में तकरीबन 2,000 का इजाफा हुआ है। इसके बाद बरतानिया दूसरे नंबर पर है जहां 30,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन और इटली में भी हालात बेकाबू हैं। वहीं बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद में कमी आई है। वहां कोविड-19 के सबब 178 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले में ये तादाद कम बताई जा रही है। मार्च के आखिरी हफ्ते के बाद फ्रांस में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में रखे गए मरीजों की तादाद 3,000 से कम है। फ्रांस ने फैसला किया है कि वो कम से कम 15 जून तक अपनी सरहदें बंद रखेगा, लेकिन 11 मई से धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म करने का अमल शुरू होगा। और अब बात कोविड-19 के दौरान रमजान की।
जहां आज रमजान उल मुबारक का 14वां रोजा है। इस मुबारक महीने का ताल्लुक रूहानी जिंदगी से ही नहीं बल्कि समाजी जिंदगी से भी है, जिसका एक अहम जुज खिदमत खल्क भी है। रमजान और खिदमत खल्क के ताल्लुक पर पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। रमजान मुबारक मोमिन के लिए सिर्फ रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आज़ादी का ही महीना नहीं है, बल्कि यह महीना अखलाकी व आमली तरबियत का भी है। इसका ताल्लुक रूहानी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि समाजी ज़िंदगी से भी है, जिसका एक अहम अनसर खिदमत खल्क और इंसानी मोहब्बत व मवद्दत भी है। रमज़ान के पूरे महीने में भूख और प्यास के इम्तिहान से गुजार कर रोज़ेदार को खिदमत खल्क की तालीम दी जाती है। इस हालत से गुजरने के बाद उसे एहसास होता है कि फ़क्र और तंगहाली क्या चीज़ होती है। इस तरह उसके अंदर समाज के गरीब, हाजतमंद और माशी लिहाज से दबे कुचले अफराद की खिदमत का जज्बा परवान चढ़ता है। हदीस पाक में रमज़ान के महीने को शहरुल मुवासात कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि रोज़ा भूख व प्यास की सालाना रस्म नहीं है, बल्कि खिदमत खल्क की सालाना ट्रेनिंग है, जिसके ज़रिए माशरे के अहल थरवत और वसात रखने वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वह गुरबा व मसाकीन, माजूर व महरूम अफराद की इमदाद व खैरखाही और माली एतबार से उन्हें मजबूत करने की खिदमत अंजाम दें। यह खिदमत खल्क हमें इस बार भी अंजाम देनी है, लेकिन चूंकि कोरोना की वबा के सबब इस बार हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमारा तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होगा। हमें ये खिदमत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अंजाम देनी होगी, ताकि इससे न सिर्फ हम महफूज रहें बल्कि हमारा माशरा भी महफूज रहे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो ये भी रज़ाए इलाही का बाइस होगा। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। तो रमज़ान का ये मुबारक महीना हमें खिदमत खल्क का पैगाम देता है। इसी पैगाम के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।